हम घाघरा डैम पहुंच गए हैं। यहाँ से कतन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 25 किलोमीटर रह गई है। ये बिछिया बाजार है। हम गेट नंबर फर्स्ट पे पहुंच गए हैं और यहाँ से कतन्या घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 किलोमीटर रह गई है। हम रेलवे क्रॉसिंग पे हैं और अभी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम है। हम यहाँ से सीधे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जाएंगे और वहाँ पर एक रूम लेंगे, अपना सामान रखेंगे, फ्रेश होंगे और फिर सफारी के लिए निकल जाएंगे। हम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने एक रूम भी लिया है जिसका चार्जेस 3300 फॉर 2 पर्सन है। हम कतन्या घाट पहुंच गए हैं और ये उसका गेट रहा, खूबसूरत बना हुआ है और बराबर में ऑफिस है जहां से सफारी बुक होती है और आप देख सकते हैं। ये सफारी जिप्सी खड़ी है। यहाँ पर हम 130 पर पहुँच गए हैं जबकि हमें 230 पर सफारी लेना है। हम सफारी ऑफिस पहुँच गए। यहाँ पर हम सफारी बुक करेंगे। यहाँ पर सफारी 1500 प्लस 250 पार्किंग चार्जेस है। अब ये हम अंदर पार्किंग में जा रहे हैं। अभी 1 घंटा है सफारी में, इसलिए हमने सोचा लाओ अंदर जाके चाय वाय पी ली जाए। ये देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पे ग्राउंड है, आगे कॉटेज बने हुए हैं जो कि सिर्फ ऑफिसर्स के लिए हैं। ये बुक नहीं होते हैं, सिर्फ ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पर आके। ये यहाँ कैंटीन भी है, ये रही कैंटीन। यहाँ पे मैगी और चाय मिलती है सिर्फ। यहाँ बोट सफारी भी होती है मगर वाटर लेवल कम होने की वजह से आजकल बंद है। ये बोट सफारी के एंट्रेंस है। ये ट्री हाउस है, इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ये टाइग्रस है, ये हमें रूट पे मिल गई है और बहुत बड़ी टाइग्रस है। इसके 2 बच्चे भी हैं। एक बच्चे का मैंने वीडियो शूट करा है जो आपको आगे दिखेगा।
पे चलो। ये हॉक डियर है और इसको पाड़ा भी कहते हैं। हॉक डियर और बार्किंग डियर दोनों स्पॉटेड डियर से छोटे होते हैं और इसकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, लंबी लंबी होती हैं और हॉक डियर जो है कोर एरिया में रहना पसंद करता है। हॉक डियर बहुत खूबसूरत होता है, इसके आगे के पैर छोटे होते हैं और पीछे के पैर बड़े होते हैं और इसके सिंग छोटे होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। ये ब्लैक नेक स्टॉर्क हैं, इनको झीलों के आसपास देख सकते हैं। दुनिया में इनकी आबादी 15,000 से 35,000 के करीब है। ये ब्लैक फ्रैंकोलिन है, इसे काला तीतर भी कहते हैं। ब्लैक फ्रैंकोलिन इसकी लेंथ 33 से 36 सेंटीमीटर होती है और वेट 450 ग्राम होता है। ये थोड़ी दूर तक उड़ता है और सीधा उड़ता है। देखिए कितना बड़ा टाइगर है, ये कतनिया घाट का सबसे बड़ा टाइगर है। कतनिया घाट के स्टाफ ने इसका नाम योगी रखा है। ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा टाइगर है, इसने हमें वीडियो शूट करने का बहुत मौका दिया और हमने वीडियो शूट भी करा।
ये स्पॉटेड डियर है, इसे चीतल भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सी डियर स्पीशीज हैं, आप देख सकते हैं, हॉक डियर, पार्किंग डियर, सामर, स्वाइन डियर। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड कैट, राइनो, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, पाइथन। ये वाइट बैलेट सी ईगल है, इसकी लेंथ 75 से 85 सेंटीमीटर होती है। इसकी फीमेल मेल से बड़ी होती है। वाइट बैलेट सी ईगल फीड ऑन फिश, टॉर्टाइस, वाटर स्नेक एंड रेप्टाइल्स। देख सकते हैं कितना खूबसूरत फॉरेस्ट लग रहा है। ये इसका खुला हुआ एरिया है, बफर जोन है, और कतनिया घाट फॉरेस्ट का एरिया 551 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये मोतीपुर और खाकरा डिवीज़न रेंज में लगता है। कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 सेंचुरियों से कनेक्ट है, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाल्डिया नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है। इस वजह से यहाँ पर जानवरों की संख्या ज़्यादा है। पेड़ देख रहे हैं आप, इसको लाफिंग ट्री कहते हैं। इसके छूने से और गुदगुदाने से पूरा पेड़ हिलता है। ये कतनिया घाट में दो पेड़ हैं। सिटरिंग बाइक चल बैठी है लोग।